घुसपैठिया चीन मोदी सरकार पर पूरी तरह से फिदा हो चुका है। वहाँ की मीडिया मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चीन आखिर मोदी सरकार पर फिदा क्यों ना हो, जब दुनिया के कई देश 2022 में चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी का बहिष्कार कर रहे हैं, तो मोदी सरकार चीन के समर्थन में खड़ी हो गई है। पीएम मोदी तो पहले ही घुसपैठिए चीन को क्लीन चिट देकर उन लोगों के दिल में जगह बना चुके थे। नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है कि मोदी सरकार उस चीन के समर्थन में खड़ी है जिसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हमारे बहुत से जवानों को शहीद किया। जनता को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर क्यों चीन पर इतनी मेहरबानी दिखाई जा रही है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, चीन से आयात तेजी से बढ़ा है। सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $30.07 बिलियन रहा। यह भी तथ्य सामने आया है कि साल 2014 से 2015 में चीन से आयात $60.41 बिलियन था, जो वित्त वर्ष 2020 से 2021 में बढ़कर $65.21 बिलियन पर पहुंच गया है। एक तरफ चीन में होने वाले खेलों का समर्थन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। आखिर क्यों? जनता को यह बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी जमीन पर कब्जा करने और कई जवानों को शहीद करने वाले घुसपैठिए चीन पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है मोदी सरकार।